नमस्कार प्यारो। ये एक तरह से मैं कह सकता हूँ आखिरी वीडियो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैलकुलेट करने का। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर होमोजेनियस टाइप की होती है तो उस होमोजेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है उसमें से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, और उस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निकालने के हमारे पास कुछ तरीके हैं, कुछ कुछ फॉर्म है, रूट्स के रियल है, कॉम्प्लेक्स होगा, शर्ड होगा, रिपीटेड होगा, उसके आधार पर हमने कुछ तरीके देखे हैं, कुछ फॉर्म देखे हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने के। अब एक थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेटेड कहूँगा, एक एक कॉम्प्लिकेटेड किस्म का हमारे पास आई वुड से कि है सोल्यूशन। हाँ, एक सोल्यूशन है कॉम्प्लिकेटेड किस्म का। देखते हैं कैसे उसका कैसे करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही निकालना है, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हमारा जो इक्वेशन है वो d2y/dx² -2 टाइम 10x -2 टाइम 10x dy/dx प्लस 5 टाइम y + 5 टाइम y = 0। तो बच्चों ये है हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन, और जिसको कि हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ पर खैर ये तो हिट एंड ट्रायल के थ्रू ही है, हम लोगों ने सीखा है इसमें, क्योंकि यहाँ टैन आ रहा है और यहाँ पर कुछ dy/dx है, तो हम एक सब्सटीट्यूशन करते हैं। अब सब्सटीट्यूशन हमारा कैसा है, y = something u sec x, मतलब u इज़ समथिंग जो कि y की तरह x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और sec x इस तरह से हमने रख लिया, यानी y, चूँकि यहाँ y डिपेंडेंट है x पर, तो ये डिपेंडेंसी हमने इस तरह की मान ली, जहाँ u भी डिफ्रेंशिएबल है x के साथ में, और sec x तो x का फंक्शन है, तो वो तो x के साथ डिफ्रेंशिएबल होगा ही होगा। तो अब अगर हमने इस तरह का सोल्यूशन मान लिया है, अब आप कहोगे कि सर यहाँ sec x ही क्यों माना है, तो एक तरह का इंट्यूशन हो जाता है, आप जब करते हो बहुत सारा इस तरह का इक्वेशन सॉल्व करते हो, सब्स्टिट्यूशन वगैरह करते हो, कि जनरली जहाँ पर ये टेन होता है वहाँ sec x का आना काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि आप जानते हो कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ sec x में sec x 10x होता है, 10x में sec x का वैल्यू होती है, और 10² - sec² वो सब 1 के, जैसे sin²θ + cos²θ होता है, वैसे जुड़े होते हैं। तो इन सारी अंडरस्टैंडिंग के चलते चलते हम लोग ये कह सकते हैं कि टेन अगर है इन्वॉल्व तो sec उसके सोल्यूशन में पॉसिबली आना चाहिए। तो आपके पास इस तरह से आ गया है। अब यहाँ पर क्या होगा, आपको dy/dx करना पड़ेगा, तो आप फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन मानो, दिस इज़ du/dx sec x + u d/dx sec x। आपने सिंपली फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म इस तरह से डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो हमें नहीं मालूम है क्या होगा, du/dx यहाँ पर sec x हो जाएगा, और u ये हो जाएगा sec x 10x। तो हम इस चीज़ को यहाँ पर एक लिख लें, ये हमारे पास एक स्टेप में आ गया। अगला हमें यहाँ चूंकि d2y/dx² करना है, तो अब देखें हम क्या करेंगे, अब हम d2y/dx² करेंगे, तो यहाँ से हमें थोड़ा सा कॉन्शियस होना है, आपको dy/dx करना है du/dx का और sec x का, फिर क्या होगा प्लस, अभी तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा यू टाइम, ऐसा करते हैं इसको हम एक फंक्शन मान लें, इसको दो फंक्शन मान लें, तो आपको लिखना होगा d/dx of u sec x 10x, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे सामने आ जाएगा d2y/dx² = d2u/dx² एंड sec x + du/dx। अब इसका जब डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा sec x * 10x, ठीक है, इसका काम खत्म। अब हम वहाँ चलते हैं, वहाँ आप करोगे तो एक तो लिखोगे du/dx ब्रैकेट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेंगे, दूसरे में u रहेगा
और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। एक बार फिर से हमें ये उतारना पड़ेगा, डी टी यू डी एक्स डी यू प्लस डी यू। ओके ना, यहाँ से दिस इज यू और ये ऐसा हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एज अ फर्स्ट फंक्शन और फिर डी बाई डी यू ऑफ टेन एज अ सेकेंड फंक्शन। आई होप यहाँ तक सब मामला सही चल रहा होगा। ये देखो एक जैसे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड वही चल रहा है, डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर सेक एक्स इज टू टाइम डी यू बाई डी एक्स सेक एक्स टेन एक्स, इसको इसको जोड़ दिया, प्लस ये हो जाएगा यू टाइम ये हो जाएगा sec x 10x, तो क्योंकि डिफ्रेंशिएशन इसका होगा sec x 10x, 10 पहले से है तो हो जाएगा 10 स्क्वायर x प्लस इसका कितना हो जाएगा 10 x होता है sec स्क्वायर x हो जाएगा sec क्यूब x, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है ना। तो मेरे ख्याल से यहाँ की चीज़ें तो फाइनल हो गई हैं। हाँ तो अब हम क्या करेंगे, ये हो गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, लेट मी चेक कोई टर्म छूट तो नहीं रहा है, माइनस यू आई थिंक ऑल द टर्म्स आर प्रेजेंट हियर। अब हमने क्योंकि y को इसका सोल्यूशन मान के रखा है तो देन जस्ट पुट इट इन इक्वेशन वन। सो ये है हमारे पास लेफ्ट ना, तो क्या कर सकते हैं हम ये रख दें यहाँ पर, आप सोच रहे होंगे कि क्या इतना इस तरह क्वेश्चन भी अगर आ गया हमारे पास तब तो काम तमाम हो जाएगा एग्जाम में, ऐसा नहीं है, ऐसा क्वेश्चन देंगे ही नहीं, वो लोग भी जानते हैं कि खतरनाक किस्म के क्वेश्चन लेने कोई बहुत बड़ा तुक नहीं है। तो यहाँ देखो डी वाई बाई डी एक्स है तो ये हो जाएगा प्लस यू सेक टेन प्लस यहाँ माइनस साइन है प्लस फाइव यू सेक एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हो गई हमारी इक्वेशन। अब देखना पड़ेगा यहाँ पर, एक बार ओपन कर देते हैं ब्रैकेट, तो एक
एन एक्स माइनस टू यू सेक एक्स। ये इससे कैंसिल हो गया है ना। और ये देखो यू सेक एक्स टेन स्क्वायर एक्स, यू सेक एक्स टेन स्क्वायर एक्स माइनस है, ये प्लस है, तो क्या होगा, ये कट जाएगा, इसको हम हटा देंगे, और यहाँ इसका एक इसका दो, ये माइनस ये बचेगा। फाइव वाई। तो भाइयों बहनों देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डू डी टू यू एक्स सेक एक्स यू सेक एक्स टेन स्क्वायर एक्स प्लस यू सेक क्यूब एक्स प्लस फाइव यू सेक एक्स। अभी कुछ अता पता नहीं चल रहा है कि सॉल्व कैसे होगा, अब सब से कॉस के टर्म में सब दुनिया चल रही है आगे। तो ऐसा करते हैं, कैसा करते हैं, डू यू बाई डी एक्स सेक एक्स इसको हम आगे लिख दें, और आगे लिख के यू सेक एक्स बाहर ले लें, तो यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर एक्स, और इसमें से यू और सेक एक्स बाहर निकलेगा, तो क्या बचेगा प्यारों, टेन स्क्वायर एक्स फाइव यू सेक एक्स इज इक्वल टू जीरो। और हमें मालूम है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन होता है, तो इस लिहाज से हमारे पास इक्वेशन बचेगी डी टू यू डी एक्स स्क्वायर सेक एक्स प्लस दिस इज वन, तो यू सेक फाइव यू सेक सिक्स यू सेक एक्स इज इक्वल टू जीरो। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स यू और सेक एक्स इज जीरो, क्योंकि सेक एक्स कुछ ना कुछ तो होगा ही, जीरो नहीं होगा। सो वी गेट इक्वेशन डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर सिक्स यू इज इक्वल टू जीरो, है ना, ये इक्वेशन बन गई। और अब हम क्या करेंगे, इसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बना देंगे, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी बच्चों एम स्क्वायर प्लस सिक्स बराबर जीरो। एम स्क्वायर प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, तो आगे क्या बन जाएगा, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम स्क्वायर इज माइनस सिक्स, या एम इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस सिक्स, यानी कि अंडर रूट, अब क्या होगा, अंडर रूट माइनस वन इंटू अंडर रूट माइनस सिक्स, तो यानी आई अंडर रूट सिक्स, तो रूट जो हो गए वो हो गए प्लस माइनस आई अंडर रूट सिक्स। अगर इस तरह के रूट हैं हमारे पास, तो ये रूट कैसे हुए, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म में है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होता है, इसका अब देखो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू तो जीरो है, जो कि जीरो प्लस आई अंडर रूट सिक्स है, तो यहाँ पर हम षड रूट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि दिस दिस आई इज स्टिल प्रेजेंट, तो बीटा इज जस्ट अंडर रूट सिक्स। सो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन ये हो जाएगा, यू यू की वैल्यू, ओके यू के टर्म में है, यू विल बी वॉट, ई की पावर जीरो सी वन कॉस बीटा एक्स, यानी अंडर रूट सिक्स एक्स प्लस सी टू साइन अंडर रूट सिक्स एक्स, तो ये यू की वैल्यू हो जाएगी, ई की पावर जीरो वन हो जाएगा। सो वाई बराबर क्या हो जाएगा, अब चूंकि ये तो मान के चले हो ना, एक्चुअल तो इक्वेशन आप किए थी उसके लिए, तो वाई इज इक्वल टू सी वन कॉस रूट सी एक्स प्लस सी टू साइन रूट सी एक्स मल्टीप्लाइड बाई सेक एक्स, दिस इज द कंप्लीट आंसर। सो हेयर यू कैन सी, पहले तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक तामझाम को समेटते हैं, और जब वो तामझाम थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाता है, देन वी स्टार्ट द कंसेप्ट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन एंड
देन वी गेट द सोल्यूशन। तो इस तरह से प्यारों यहाँ पर हम कंप्लीट कर ले जा रहे हैं अपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बातचीत। इससे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपके लिए नहीं कुछ ज़्यादा है। इसके आगे हम अब आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सिखाएंगे, जो कि अपने आप में एक अच्छी खासी एक्सरसाइज है। और जब आप कोई क्वेश्चन देखोगे और पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालोगे, तो आपको साथ ही साथ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना पड़ेगा, तभी आप उसका जनरल सोल्यूशन दे पाओगे। तो अब जो भी प्रैक्टिस हमारी आगे की होगी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने की, वो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल के साथ निकालेंगे। ठीक है, तो दैट विल बी द स्टेप फॉर द फोर्थ कमिंग क्लासेस। चले फिर मिलते हैं अगली क्लास में, और आगे के टॉपिक हम लोग वहाँ पर देखेंगे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।